जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था वही था। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसके लिए आप ऐसी लाइंस बोल सकते हो? अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो आप बहुत किस्मत वाले हो दोस्त। 777 चार्ली मूवी देखा, कहानी है ये कलयुग के धर्मराज की और चार्ली की। धर्मा जो है जिसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट थी, सॉरी ब्लैक एंड ब्लैक थी, बंदे के साथ जिंदगी ने कुछ ऐसे जुल्म किए कि जिंदगी से, ऊपर वाले से, दुनिया से, खुशियों से बहुत नाराज है भाई। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ के किसी भी पन्ने पर इनमें से किसी का भी जिक्र भी हो, इसलिए उनकी किसी से नहीं बनती है। लोग इनको पागल संकी कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। लेकिन उसकी लाइफ के सभी चैप्टर्स वो जानता है, वजह है उसके पास कि वो ऐसा क्यों है। भाई की लाइफ में घर, फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, दिन खत्म। फिर नया दिन, फिर घर, फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, दिन खत्म। फिर उसकी लाइफ में आती है चार्ली। जंजीरों को तोड़कर भागी है कहीं से, लेकिन जिसके पास वो आई है वो भी एक तरीके की जंजीरों में फंसा हुआ है। और यहां से होती है एक कहानी की शुरुआत, एक कुत्ता और एक इंसान की कहानी, चार्ली और धर्मा की कहानी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की कहानी, हताशा और उम्मीद की कहानी, जीने और मरने की कहानी। इमोशंस की बाढ़ आएगी और ये इमोशंस कुछ खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक कुत्ता और एक इंसान एक ऐसी डोर से बंधे हुए हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन दुनिया में इससे मजबूत कोई डोर नहीं है यार। मूवी थोड़ी सी लंबी हो गई है, कुछ कुछ जगह पर थोड़ी स्ट्रेच हुई है, लेंथ ज्यादा हो गई है, लेकिन सामने ये देखे कि एक कुत्ता परफॉर्म कर रहा है। 5 मिनट के सीन को लाइंस बोल के शूट करना, उस सीन के मैसेज को कन्वे करना इंसानों के लिए इजी है, लेकिन वही बात एक कुत्ते से परफॉर्म करवाना हो तो विदाउट एनी डायलॉग्स, विथ डिफरेंट एंगल्स, विथ ऑल मूवी ट्रीटमेंट्स, ये आसान टास्क नहीं है राइट। इसलिए इस मूवी की स्पीड को मैं दूसरी मूवीज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। बिग सैल्यूट टू डायरेक्टर एंड ऑल द एक्टर्स, स्पेशली रक्षित शेट्टी, इनको अपने काम में कितना प्रिसाइज रहना पड़ा होगा। मतलब कुछ भी हो जाए उनकी वजह से टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुत्ता फिर से वो शॉट वैसा का वैसा दे ना दे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजीएम बहुत ही मस्त है, सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है देखना तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका मैसेज, मूवी पूरी होने के बाद थोड़ा सा रुक के स्क्रीन पर जो भी आएगा उसको पढ़ना और दूसरे लोगों को बताना उसके बारे में। हाँ देखो, ये कोई मास एंटरटेनमेंट वाली मूवी नहीं है और उस उम्मीद से जाना भी मत, नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हटके देखना है, कुछ बड़ी कोशिश देखनी है, कुछ नया एफर्ट देखना है, तो आप इस मूवी को जरूर से देखें। इस मूवी को लेके एक बात मैं कंफर्म कहना चाहता हूं कि इसमें जो इमोशंस दिखाए हैं और जिस तरीके से इमोशंस दिखाए हैं वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। और जो लोग एनिमल लवर नहीं है वो लोग एनिमल लवर बन जाएंगे आफ्टर दिस मूवी फॉर श्योर। और इस मूवी का जो मैसेज है वो अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और लोग इसके ऊपर सोचेंगे तो इसका जो मकसद है मूवी का वो शायद पूरा हो सकता है। बाकी अल्टीमेटली ये सब कुछ जनता के ऊपर है कि जनता इस मूवी को किस नज़रिए से देखती है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।